सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा APN जो कि हर सिम्स पर काम करेगा और उसमें आप और आपका जो नेट है वो काफ़ी फास्ट चलेगा चाहे कोई भी सिम हो। तो चलिए आज हम बताते हैं। तो पहले तो आपको सेटिंग में जाना है और सिम कार्ड मैनेजर में जाना है और उसके बाद आपको अपना सिम चूज कर लेना है, जो भी है, जियो, एयरटेल, सिम वन में लगा हुआ है, सिम टू में। उसके बाद आपको एक्सेस पॉइंट नेम नीचे में दिख जाएगा, उसके बाद उस पर क्लिक करना है और वहाँ पर प्लस का ऑप्शन ऊपर में दिख रहा होगा, बस उस पर क्लिक करना है, या फिर आपका नीचे भी हो सकता है। तो उसके बाद इस तरह का कुछ फॉर्म फिलअप करना होता है। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है नेम। नेम में आपको लिखना है हैक्स और लिखना है HEX, जो कि H बड़ा हो कैपिटल होगा, और अल्फ़ा हैक्स अल्फ़ा, और A भी कैपिटल होगा। उसके बाद आता है APN। APN में लिखना है आपको हैक्स, जो कि H कैपिटल होगा, और 98 सटा के दोनों को लिखना है, कॉमा नहीं देना है, बस स्पेस नहीं देना है। उसके बाद आता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट को भी नॉट सेट रहने दें। सो उसके बाद आता है यूज़र नेम। यूज़र नेम में आपको यहाँ पर लिखना है, यूज़र नेम में आपको यहाँ पर लिखना है 4G, जो कि कैपिटल होगा, और सपोर्ट्स एस भी कैपिटल होगा। उसके बाद सपोर्ट, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ सारा कुछ इस तरह का देखिए, उसके बाद कीजिएगा, वरना आपका APN जो सेटिंग कीजिएगा वो नेट और भी स्लो हो सकता है। तो उसके बाद आता है पासवर्ड, पासवर्ड को नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है सर्वर, सर्वर में आपको लिखना है www.google.com, उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद आता है MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, ये तीनों को नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है MCC और MNC, ये आपका एरिया कोड है, इसे आप ना छेड़ सकते हैं और भी आपका नेट है इंटरनेट धीरे हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको आपको करना है, ये ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको आपको टच करके इसमें नॉट सेट की जगह पेप और चेप कर देना है, सबसे नीचे वाले में पेप और चेप में कर देना है। उसके बाद आता है APN टाइप, APN टाइप को नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, ये आपका IPv4 और IPv, ये जो APN प्रोटोकॉल है ये आपका IPv4 और IPv6 हो सकता है, या आपको सबसे नीचे वाला IPv4 प्लस IPv6 में कर देना है। उसके बाद रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4 प्लस IPv6 कर देना है। उसके बाद आता है बेयरर में आपको आने स्पेसिफाइड की जगह यहाँ पर आपको क्लिक करना और स्पेसिफाइड को अन क्लिक करके सारे में एक एक करके यहाँ पर टच कर देना है, टिक कर देना है। अगर इतने सारे बेयरर सेट नहीं होते हैं आप लोगों में, इतने सारे सेव का ऑप्शन नहीं आता या ओके का, तो सिर्फ LTE में क्लिक करके छोड़ दीजिएगा या फिर अनस्पेसिफाइड ही रहने दीजिएगा। तो दोस्तों ये करने के बाद आपको आता है MVNO टाइप, इसको नन रहने दें। उसके बाद इसको सेव कर दें ऊपर में जाके, या फिर नीचे में ही आपका सेव का ऑप्शन हो सकता है तो जाके सेव कर दें। उसके बाद इस पर एक बार टच कर दें, इस वाले APN पे आप जो है आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो रहा होगा इंपॉर्टेंट रहा होगा। सो उम्मीद, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।